बड़ी खबर इस वक्त की आप जान लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है, दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा, इसके बाद तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है। कुल 7 चरण में मतदान उत्तर प्रदेश के अंदर, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा, फिर पांचवें चरण के लिए वोटिंग 27 फरवरी को डाली जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 3 मार्च और 7 मार्च को छठे और सातवें चरण का चुनाव होगा और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाकी 4 राज्यों के भी। और चलिए सीधे इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर में रोहित का रुख करते हैं। रोहित, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि कब कब किन किन चरणों में चुनाव है। बिल्कुल प्रत्युष, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ी टीम हिंदुस्तान की लगातार बरकरार है। चुनावों का पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है सुनिए। पहला चरण, 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 10 फरवरी को, मतगणना होगी 10 मार्च को, 7 चरणों में चुनाव होना है। दूसरा चरण 4 दिन बाद 14 फरवरी को, दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को, 4 दिनों का गैप है। आप देखिए व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रहे। तीसरा चरण कब होगा? 20 फरवरी को। आप देखिए तीसरे चरण के लिए मतदान करने के लिए लोग कब पहुंचेंगे? 20 तारीख को। चौथा चरण कब होगा? 23 फरवरी। महज 3 दिन का गैप, व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त रहे। इसके लिए 3 से 4 दिनों का गैप हर एक फेज के बाद इलेक्शन कमीशन लिया है। पांचवा चरण देखिए, 27 फरवरी को पांचवा चरण होगा, लोग पहुंचेंगे पोलिंग बूथ तक, तमाम व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है और व्यापक है। पहला चरण 10 फरवरी को और आप देखेंगे अंतिम चरण 3 मार्च को होगा। 7 चरणों में ये मतदान होने हैं और मतगणना होगी 10 तारीख को। हमारी जो टीम है वो लगातार बरकरार है। मकसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकसूद, इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर कह रहा है 16% से ज्यादा पोलिंग सेंटर्स का इजाफा इस बार हुआ है। जान है जहान है ये बात लगातार हर कोई कह रहा है, लेकिन व्यापक सुरक्षा इंतजामों के साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में भागीदारी लोगों के सुनिश्चित करने के लिए कमर कस चुका है इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल तमाम तैयारियां हो गई, इसीलिए देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन की जो टीम है अलग अलग राज्यों में पहुंच रही थी, वहां पर चुनावी व्यवस्थाओं की तैयारियों के मद्देनजर और वहां का मुआयना करने के लिए, और आखिरकार ये साफ हो गया है कि 10 फरवरी को पहली पोलिंग होगी, पहली वोटिंग होगी और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे भी आ जाएंगे। यानी कि कोविड को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इसीलिए भले ही 7 चरणों में ये चुनाव होगा लेकिन कोशिश यही कि 10 फरवरी को जो पहला मतदान होगा 10 मार्च तक नतीजे भी दे दिए जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, मणिपुर की बात हो, गोवा की बात हो या फिर उत्तराखंड की बात हो। अगर उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं इस वक्त रामनगरी अयोध्या में मौजूद हूं और लगातार रामनगरी अयोध्या के लोगों से बात करने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। देखिए इंतजार तो इस पहले से तय था कि चुनाव तो होंगे लेकिन कोविड नियमों के तहत जो एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है और साफ जो है हिदायत दी गई है तमाम राजनीतिक पार्टियों को और जो सलाह दी गई है इस पर राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से आगे बढ़ेंगी हमारे साथ। तो आपके राज्य में कब होने हैं चुनाव जान लीजिए आप। जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है कि किस राज्य में किस तारीख को वोटिंग होनी है और कितने चरणों में आपके राज्य में चुनाव संपन्न होंगे। अंजीत का हम रुख कर लेते हैं। अंजीत, बात यह हो रही थी कि हो सकता है एक आध पेस बढ़ा दिया जाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, कुछ तब्दीली की गई है कोविड को देखते हुए, लेकिन 7 चरण में इस बार भी उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है, इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चुनाव के शुरू होने में लगभग सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उस समय कोविड आ गया है जिसके चलते 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई, खाली 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन और वर्चुअल को भी प्रोत्साहन किया जाए 15 जनवरी तक, किस तरह से देखते हैं जो, क्योंकि समाजवादी के भी कई प्लान थे रथ यात्रा। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनके शर्तों का पालन होगा और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए क्योंकि सरकार यहाँ पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना, इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। सर एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, आज आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि अगर वर्चुअल के लिए जैसे अभी 15 तक है उसके बाद भी अगर वर्चुअल के लिए कह दिया जाता है कि वर्चुअल रैलीज करनी है तो आप किस तरह से देखते हैं? आपने ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे फंड की, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है
कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, अंजीत का हम रुक कर लेते हैं, अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, ये कह रहे थे अंजीत कि ये चुनाव आयोग सुनिश्चित करे जो सरकार में बैठे यानी कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो आपके शब्दों पे बने रहे, उसका पालन करे, हम पालन करेंगे। देखिए अभी भी यहाँ पे अखिलेश यादव चुनावी कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं कि आप वर्चुअली 5 लोगों को डोर टू डोर के लिए इजाजत दी गई है, उसका पालन हम करेंगे लेकिन सत्ता पक्ष नहीं करने वाला। देखिए या अगर सत्ता पक्ष नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि जब भी चुनाव कराया जाता है तो ये पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, कार्रवाई से लेकर के और नियम बनाने तक सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अखिलेश यादव ये जरूर कहते हैं कि 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 10 मार्च को बीजेपी सरकार जानी तय है, ये तो 7 चरणों में तय हो जाएगा कि कौन जाएगा और कौन आएगा, क्योंकि ये काम तय करना जनता का काम है, चुनाव करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव लड़ना इन लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन कुर्सी पर बैठेगा तो जनता ही तय करेगी। लेकिन देखिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं, पिछली बार भी 7 चरण में हुआ था, इस बार भी। ठीक है अंजीत, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे चुनाव, ये कहना है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। 7 चरणों में देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव संपन्न होने हैं और उसके बाद जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन, प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की वापसी होगी। और आप देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब से ये ऐलान हुआ तारीख होगा कि 7 चरणों में चुनाव होंगे, उसके बाद आप देखिए पहला रिएक्शन, हमने आपको अखिलेश यादव को भी सुनाया, वो कह रहे थे कि ठीक है तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट ये बताने के लिए काफी कि किस माइंडसेट के साथ योगी सरकार आगे बढ़ेगी। आप देखिए अभी तारीखों का ऐलान हुआ, 7 चरणों में चुनाव होने हैं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान। देखिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की भी है, क्योंकि सरकार में तो इस वक्त बीजेपी है ना, और जिस तरीके से लोग जो है अपने घरों से पोलिंग बूथ तक पहुंची, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कर रही है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी योगी सरकार की भी है। माइंडसेट आप देखिए, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, ये कहना है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहला रिएक्शन आप देखिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का, पल पल का अपडेट लगातार हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। अखिलेश का फर्स्ट रिएक्शन भी हमने सुना दिया, योगी आदित्यनाथ का फर्स्ट रिएक्शन भी सुना दिया। बड़ी खबर अब जो मिल रही है चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा, बड़ी खबर। अखिलेश ये दावा कर रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा बीजेपी का। जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद अखिलेश का ये बयान। अंजीत का मैं रुख करती हूँ, अंजीत इसके पहले भी आपसे मैं यही समझना चाह रही थी, देखिए योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया, अखिलेश यादव का भी बयान आ गया, इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया, ये दोनों बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं इसके ऊपर अब जनता को मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। आरएलडी से जयंत चौधरी भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी ये भी नहीं पता है, तो तीन बड़ी पार्टियां तीनों के जो मुखिया वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, अब अगला मुझे लगता है दिलचस्प पहलू यही होगा। बिल्कुल शालिनी, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, वो जगह कौन सी होगी, गोरखपुर होगी या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों ही पहलू हैं। आप देखिए कि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब भी वो चुनाव नहीं लड़े थे, 2012 से 17 तक वो MLC थे और वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। वही हाल योगी आदित्यनाथ का था जब 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई, उस वक्त वो गोरखपुर से सांसद थे और बाद में मुख्यमंत्री बने, तो MLC बने। इस बार ये MLC हैं और अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, जयंत चौधरी अपना चुनाव हार गए थे। इसका मतलब यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे ये इस बात के लिए कहा जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव संभवतः चुनाव नहीं लड़ेंगे, जयंत चौधरी के चुनाव लड़ने की संभावना है। महत्वपूर्ण यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही डेट अनाउंस किया है, योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया कि प्रचंड बहुमत से हम सत्ता में वापसी इस बार भी करेंगे, तो इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया होने वाला है। हमारे साथ मकसूद भी बने, सीधे हम उनका भी रुख कर लेते हैं। अब मकसूद देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट अनाउंस कर दिया गया, अब तमाम पार्टियां अपनी जीत का दम भर रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको आचार संहिता का पालन करना होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम करेंगे लेकिन सत्ता पक्ष नहीं करेगी, जबकि उन्हें यह बखूबी पता है कि अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो फिर कार्रवाई सब पे एक समान होगी।
शालिनी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है। आप देखिए, पिछले 2021 में हमने पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव देखा है, बाकी और राज्यों के हमने विधानसभा चुनाव देखे हैं। उस वक्त कोविड का हाल क्या था और कौन सी राजनीतिक पार्टी ने कितना, जो चुनाव आयोग की तरफ से नियम तय किए गए थे कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, वो कितना फॉलो हुआ है, उसे कितना पालन किया गया, उस वक्त भी चुनाव आयोग की तरफ से ताकीद की गई थी आप वर्चुअली चुनावी जनसभाओं को, रैलियों को संबोधित करें, लेकिन हुआ क्या? उसके बाद जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर कोविड के जो संक्रमित थे वो पीक पर पहुंचा था और ये डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट था कोविड का, उसने किस कदर तबाही मचाई थी। तो बहुत संजीदगी से और बहुत संवेदनशील होकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें इन चुनावों में आगे बढ़ना होगा। बक्सूद बने रहे हमारे साथ, मैं प्रिया सिंह सोमवंशी का रुख कर रहा हूं। प्रिया, चुनाव आयोग वर्चुअली और डिजिटल रैलियों पर ही जोर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार का जो तरीका है वो या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के जरिए होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने एक लाइन और जोड़ी है, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वहां पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। बिल्कुल, देखिए इस बार चुनाव आयोग बेहद सख्त नजर आ रहा है। जहां 15 जनवरी तक सभी तरीके की जनसभाओं पे, रैलियों पे रोक लगा दी गई है, पदयात्राओं पर, नुक्कड़ सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है, दूसरी तरफ अगर सोशल मीडिया के जरिए भी किसी तरीके का अगर प्रचार किया जाता है तो उसमें भी संयम सभी पार्टियों को रहना होगा। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। और देखिए, आम लोगों को भी अधिकार दिया गया है कि अगर किसी तरीके की धांधली होती है, किसी को नजर आता है, तो वो चुनाव आयोग को सीधा सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं। और 100 मिनट के भीतर, ये पहली बार होगा जब चुनाव आयोग ने ये बड़ी बात कही है कि 100 मिनट के भीतर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही देखिए, जब वर्चुअल रैली होगी तो बीजेपी की पूरी तैयारी है। देखिए, कई बार बीजेपी ये खुलेआम भी कह चुकी है कि हमारा आईटी सेल कितना मजबूत है, हमने पूरी तैयारी कर ली है। और देखिए, आज अखिलेश यादव भी अपने डिजिटल टीम की मीटिंग करने वाले थे, हालांकि अभी ये सातवीं की मीटिंग हुई है नहीं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही सभी पार्टियों ने, मुझे प्रत्युष लगता है कि तैयारी कर लेना चाहिए। हम लगातार बात यूपी की कर रहे हैं। अच्छा, हितेन हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, मैं अंजीत का रुख कर रहा हूं। अंजीत, अब सभी पार्टियों की तरफ से अब देखिएगा रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, सभी अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि हर बार चुनाव आयोग की तरफ से नियम गाइडलाइन तो बना दी जाती है, लेकिन उनमें से कितनों का पालन होता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं सबसे पहले तो आपको सत्ताधारी दल को देखना चाहिए, सरकार पर सबसे ज्यादा पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा मनमानी वही करती है, यह अखिलेश यादव का आरोप है। अंजीत हमारे साथ लगातार, अंजीत सवाल यही, अखिलेश यादव ने ये तो कहा कि अपनी जीत का दावा किया, लेकिन कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जो भी रूल्स या गाइडलाइंस बनाए हैं उस प्रोटोकॉल का ख्याल क्या सत्ताधारी पार्टी रखेंगी, यह आरोप लगा दिया। बिल्कुल, और साथ साथ ये भी कह दिया कि देखिए, चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं वो तो हम पालन करेंगे, हम वो कह रहे हैं हम तो पालन करेंगे, लेकिन क्या बीजेपी पालन करेगी ये बड़ा सवाल है, सत्ताधारी दल पालन करेगा ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये पालन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ये उम्मीद हम करते हैं कि चुनाव आयोग ने जो कहा है उसको पूरी तरीके से मानेंगे, उसका पालन करेंगे, क्योंकि वक्त ऐसा है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन तो करना ही चाहिए, कोविड को लेकर खासकर। वैसे भी जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी होती है कि कौन से नियम बनाने हैं, कौन से कायदे को लागू करवाना है और कौन सा। आपको याद होगा कि कई सत्ता पक्ष के लोगों पर पिछले दिनों बयानबाजी की वजह से बैन लगा था 2019 में, आपको याद होगा प्रत्युष। तो इस बार भी हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका बेहद सक्रिय, चुनाव आयोग की तरफ से अगर किसी भी तरीके का कोई भी पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर एक और जान लीजिए आप, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, ये आपके राज्य का हाल है और चुनाव जो है वो सिर्फ एक चरण में कराए जाएंगे और चुनाव की तारीख क्या है वो है 14 फरवरी। 14 फरवरी को इन राज्यों में जो वोटिंग है वो की जाएगी और 10 मार्च को 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे हैं वो एक साथ सामने आएंगे। उत्तराखंड हो, पंजाब हो या गोवा हो, इन 3 राज्यों में सिर्फ एक चरण में ही जो चुनाव है वो संपन्न कराया जाएगा और वो चुनाव की तारीख है 14 फरवरी। 14 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी और 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे एक साथ सामने आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यूपी की बात करें तो यहाँ 7 चरणों में चुनाव होगा। मणिपुर की हम बात कर ले तो यहाँ 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तीनों राज्यों में 14 तारीख को ये मतदान होगा, चाहे गोवा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले या उत्तराखंड की बात कर ले। हितेन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हितेन, देखिए
चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन कोविड के नियमों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब परमिशन नहीं दी गई है कि आप किसी भी तरीके की जनसभा करें, आप रैली करें, आप पदयात्रा कर ले। अगर किसी ने उल्लंघन किया तो फिर उस पर चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई भी होगी, जो स्पष्ट चुनाव आयोग ने किया भी। अखिलेश यादव हालांकि इसके इतर ही लाइन पे चलते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं हम करेंगे पालन, सत्ता पक्ष नहीं करने वाली। देखिए अखिलेश अगर सियासत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति की दुकान किस तरह से चलेगी, तो निश्चित तौर पर वो पालन करने के साथ साथ अपने विरोधियों पर निशाना निश्चित तौर पर वो साधेंगे। लेकिन रही बात दूसरी, पंजाब में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पंजाब में जब 14 फरवरी को 117 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होनी है तो पंजाब से भी रिएक्शन आना शुरू हो चुके। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया, सीधे तौर पे ट्वीट करके अपील किए पंजाब की जनता से कि नए पंजाब को बनाने की और अपना वोट जो है वो 14 फरवरी को बड़ी संख्या में देने के लिए पहुंचे मतदान केंद्र पर। और साथ साथ जो कांग्रेस की सरकार है, चन्नी सरकार है इस वक्त, उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है आरके वेरका, उसने भी सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए कहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है। नितिन हम आपके पास लौटेंगे इस वक्त, एक और बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दें। मणिपुर में दो चरणों में मतदान होगा, पहला चरण का मतदान होगा 27 फरवरी को, दूसरे चरण का मतदान होगा 3 मार्च को, और 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। इन चुनावी राज्यों में मणिपुर ही ऐसा है जिसमें यूपी में 7 चरण के बाद 2 चरणों में चुनाव होंगे, बाकी जो 3 स्टेट हैं चाहे वो पंजाब हो, गोवा हो या उत्तराखंड हो, वहां पर एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान संपन्न हो जाएंगे, लेकिन चुनाव की जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को आएंगे।